सो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में मैं आपको दो बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट आई हुई है। एक अच्छी अपडेट है और एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, जिसे सुनकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर दोगे ना। नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखना अगर कर रहे हो तो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। क्योंकि सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर टाइम पर देता रहूंगा। अब देखिए, दो बड़ी अपडेट सामने आई है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छी और एक बहुत ही अच्छी है। कौन सी बता दूं, बताओ? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। खैर, बताऊंगा तो मैं आपको दोनों ही, क्योंकि आपके ही काम की अपडेट है, मेरे काम की तो है नहीं है। तो आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि अभी एक दो हफ्ते से काफी ज्यादा न्यूज आ रही है एमपी बोर्ड की, उसमें कुछ भी आपको फिक्स नहीं बताया जा रहा है। उसमें आपको कुछ अपडेट बता दी गई है कि जैसे कि आपके स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके ऑनलाइन मोड पर होने हैं, तो ये सब तो आप सभी को पता है। बट यहाँ पर न्यूज़ में आपको ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि आपके मेन एग्जामिनेशन का क्या होना है। ये आगे पोस्टपोन्ड होंगी या फिर नहीं होंगी, या फिर इसी टाइम पे होंगी जिस टाइम पर इनका टाइम टेबल आया हुआ था। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इनका कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं था। बट आज की वीडियो में मैं अगर आपसे कहूँ कि इनका मैं आपको कन्फर्मेशन दूंगा तो जी हाँ, आप यहाँ पे सही सुन रहे हैं, मैं आपको कन्फर्मेशन दे दूंगा। तो जो फर्स्ट अपडेट आई हुई है मैं आपको साइड में अटैच कर दूंगा, वीडियो पॉज करके आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या होना है। प्री बोर्ड की अभी एक अपडेट आई हुई थी सामने, जिसमें कि आपको बताया गया है कि 20 जनवरी से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और ये ऑनलाइन मोड पर करवाए जाएंगे। अब कैसा क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में हैं तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पर से आपको आंसर शीट और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाएगा। आपको टाइम बता दिया जाएगा कि हाँ, इस टाइम के बीच में आपको ये सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप बढ़िया घर पर बैठ कर पेपर दीजिए और वहाँ पर सबमिट कर दीजिए, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप ये चाह रहे थे कि आपके एग्जाम वगैरह ऑनलाइन मोड पर हों तो आपके हो रहे हैं, मजे करो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन मोड पर ही होंगी। अब कब होंगी, मेन क्वेश्चन, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही अच्छी अपडेट है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बोर्ड की तरफ से ये फिक्स हो चुका है कि आपके जो 17-18 फरवरी से एग्जाम होने थे, 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन होने थे, टाइम टेबल जारी कर दिए गए थे फरवरी में, वो आपके फरवरी में नहीं करवाए जाएंगे। क्या बोला तूने? जी हाँ, आप यहाँ पे सही सुन रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में, बट जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ऐसा हो गया है। क्या बात है? जितनी भी न्यूज़ थी वो सब मैं आपको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब कुछ अटैच कर देता हूँ। आप आराम से वीडियो पॉज करो और न्यूज़ को पढ़ो। अब देखिए, आपको न्यूज़ में बताया क्या गया है। न्यूज़ में आपको यही बताया गया कि एमपी बोर्ड जो आपकी परीक्षा फरवरी में करवा रही थी उसका ये फिक्स हो गया है, यानी कि ये तय हो चुका है कि आपकी वो परीक्षा फरवरी में नहीं होंगी। अब फरवरी में नहीं होंगी तो इससे इतना तो फिक्स हो गया है कि आपके एग्जाम आगे पोस्टपोन्ड होने हैं, बट कब तक होने हैं ये आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है। यहाँ पर इतना ज़रूर से बताया गया है कि फरवरी में अगर कोविड की पीक वगैरह केसेस वगैरह कम हुए तो हो सकता है कि आपके अप्रैल वगैरह में परीक्षा करवाई जाए, बट इसका भी कोई फिक्स डिसीजन एमपी बोर्ड ने नहीं दिया है। यहाँ पर बस आपको इतना ही बताया गया कि जो आपकी परीक्षा है वो फरवरी में नहीं करवाई जाएंगी, ये फिक्स हो चुका है, बस ऑर्डर आना अभी बाकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी 4 से 5 दिन में आपका ऑर्डर वगैरह आ जाएगा, जो भी होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करके आप जरूर से रखिए और फ्रेंड्स में आप जरूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जो चाहते थे वही यहाँ पे हो रहा है। मजा आया और मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है, इसका मेन रीजन यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है, कोई भी ट्यूटर विद इन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफी अच्छा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। कि आपके स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं और ऑनलाइन वगैरह पढ़ाई होती कहाँ पर है, हम बैकग्राउंड में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यही तो यूज करते हैं। तो आई थिंक बोर्ड भी इस बात को समझ रहा है, तो न्यूज में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्कूल वगैरह अगर आपके बंद हो गए तो यहाँ पर आपका पढ़ाई में 15 दिन का नुकसान हो रहा है। वैसे भी आपका सिलेबस वगैरह पूरा हुआ नहीं था और अभी स्कूल वगैरह बंद हो गए तो और नहीं होने, तो ऑब्वियसली बात है आपके एग्जाम आगे पोस्टपोन करने ही पड़ेंगे। तो यही अच्छी अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपके पास और भी ज्यादा टाइम है जिसमें कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, बट ये मान के रखिएगा कि आपके एग्जाम होने हैं तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई आपको करते रहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है? अब आप मजे करो, आपके मन की तो हो ही चुकी है। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन करके नहीं रखा है तो वो जरूर से ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं, समझ रहे हो? तो वो सब मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।